दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के बाद आया बल्लेबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, पंजाब के घर में गुजरात के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने पंजाबी खेमा घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या में ऐसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 18वां मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच पंजाब के घरेलू मैदान मोहाली के स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या की इस मैच में मुकाबले में वापसी देखने को मिली और उन्होंने आते ही टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात ने 155 रन 6 विकेट के नुकसान पर गुजरात को रोक दिया, जहां पर गुजरात की टीम दो बदलाव के साथ मैदान पर आई तो दूसरी तरफ पंजाब की टीम में तीन बदलाव देखने को मिले। ऐसे में पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान शिखर धवन और प्रभु सिमरन सिंह ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने की, जहां पर उन्होंने पहले ही गेंद पर बल्लेबाज को परेशान किया लेकिन दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले प्रभु सिमरन सिंह को राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान बिना खाता खोले प्रभु सिमरन सिंह राशिद खान के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैथ्यू शॉट मैदान पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शिखर धवन को तीसरे ओवर में लिटिल ने अपनी रफ्तार से परेशान किया और कप्तान का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया। इस दौरान शिखर धवन 8 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाने के बाद लिटिल की गेंद पर जोसेफ के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने भानुका राजपक्षे आए। ऐसे में पावर प्ले के अंदर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंजाब ने बनाए, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में करामाती राशिद खान ने मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान मैथ्यू शॉट ने 24 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन की पारी खेली और अपना विकेट क्लीन बोल्ड होकर दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जितेश शर्मा आए। हालांकि 55 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद जितेश शर्मा और भानुका राजपक्षे ने टीम को संभाला, जहां पर दोनों ने मिलकर 36 रन की साझेदारी की। इस दौरान रिद्धिमान साह की चालाकी ने पंजाब को सबसे महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया। जी हां दोस्तों, 13 ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा की गेंद पर जितेश शर्मा को विकेट कीपर रिद्धिमान साह के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि रिद्धिमान साह ने अपील की लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया, परंतु कप्तान ने विकेट कीपर शाह के कहने पर डीआरएस लेकर फैसले को बदलवा दिया। इस दौरान जितेश शर्मा 23 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने सैम करन आए। तो वहीं दूसरी तरफ से काफी ज्यादा संघर्ष में बल्लेबाजी कर रहे भानुका राजपक्षे को 17 ओवर में अल्जारी जोसेफ ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान भानुका राजपक्षे 26 गेंदों पर मात्र 1 चौके की मदद से 20 रन बनाने के बाद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान मैदान पर आए, जिन्होंने अपना खाता छक्के के साथ पहली ही गेंद पर खोला। तो वहीं दूसरी तरफ से 19 ओवर की पहली गेंद पर मोहित शर्मा ने बल्लेबाज सैम करन को 22 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाने के बाद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हरप्रीत बराड़ आए। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर पर हरप्रीत बराड़ ने सामने की तरफ लंबा छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया, लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर शाहरुख खान डेविड मिलर के द्वारा रन आउट हो गए, जहां पर शाहरुख खान ने 9 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषि धवन मैदान पर आए, जिन्होंने अपना खाता 1 रन के साथ खोला। तो वहीं पारी की अंतिम गेंद पर हरप्रीत बराड़ रन आउट हो गए, जहां पर हरप्रीत बराड़ ने 4 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 8 रन की पारी खेली, जिसके चलते पंजाब की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 153 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस दौरान मोहित शर्मा को सर्वाधिक 2 विकेट मिले, तो वहीं अल्जरी जोसेफ, राशिद खान, मोहम्मद शमी और लिटिल को 1-1 विकेट मिला। हालांकि 154 रन का लक्ष्य मुश्किल नहीं था, ऐसे में गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रिद्धिमान साह की सलामी जोड़ी ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह ने शुरुआत की। इसी दौरान इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पंजाब की टीम ने राहुल चहर की एंट्री भानुका राजपक्षे की जगह पर कराई, जहां पहली गेंद पर रिद्धिमान साह ने 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने 4 रन लगाते हुए पहली गेंद पर शाही अंदाज में अपना खाता खोला और पहले ओवर के अंदर 7 रन आ चुके थे, जिसके बाद दूसरे ओवर को कराने के लिए गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को बुलाया गया, जहां पर उनके सामने भी 2 बल्लेबाजों ने 2 चौके समेत 11 रन बटोरे। इसी बीच तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह को रिद्धिमान साह ने रिमांड पर ले लिया और 4 चौकों की मदद से 18 रन लौटा दिए और बल्लेबाजी टीम को प्रॉफिट दे दिया। तो वहीं इसी दौरान विकेट निकालने के लिए कप्तान शिखर धवन ने फिर की गेंदबाज हरप्रीत बराड़ को बुलाया, जहां
पर उनका स्वागत शानदार चौके के साथ किया गया और ओवर में 8 रन बटोर लिए गए। लेकिन इसी बीच पांचवें ओवर में रबाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 48 रन की साझेदारी को तोड़ा, जहां उन्होंने रिद्धिमान साहा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े मैथ्यू शॉट के हाथों में अपना विकेट दे दिया। इस दौरान रिद्धिमान साहा ने 19 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 30 रन की पारी खेली और इसी बीच रबाड़ा ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करा। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर आए और इसी के साथ 8 ओवर में 67 रन एक विकेट के नुकसान पर गुजरात ने बनाए और इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को एक तरफा तरीके से हरा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर